हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। एंड नमिता सचदेव विद यू एज ऑलवेज। और मेरे साथ आज बहुत ही हैंडसम एक्टर है, मैं तो उनकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ सिंस सिंपली। सो मैं हमेशा मिलता हूँ एक बार। सो वी हैव विद अस मिस्टर कश्मीर महाजनी। ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर एक्टर, ही इज अ फुल एंटिटी आई बिलीव। सो वेलकम टू पंजाब केसरी। That's a very big introduction you gave for me, and you're looking very pretty and beautiful yourself. So yeah, glad to see you. थैंक यू सो मच। आई थिंक लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, इसलिए मैंने व्हाइट डिसाइड किया और आपने ब्लैक कर लिया। हाँ बिल्कुल, अरे हाँ यार, हम बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। सही सही। वैसे आप मुझे बताओ, सब कुछ आपको करना है। यू आर अ प्ले डायरेक्टर, यू आर अ डांसर, आप इतना अच्छा डांस करते हो, इतनी अच्छी एक्टिंग आप करते हो, इतने अच्छे लुक्स आपके हैं, बाकी कोई और भी है क्या? पता नहीं, अब तो मैं शेयर मार्केट इन्वेस्टर भी बन चुका हूँ, तो वो भी करता हूँ मैं। ओह जी गॉड, जी जी इसमें तो या स्पेशल ट्रेनिंग स्टॉक मार्केट के लिए तो। हाँ, वो मैं बरसों पहले ले चुका हूँ। मेरा दोस्त है बचपन का, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, तो उसने मुझे सिखा दिया था बहुत पहले। फिलहाल हम हाँ सबकी बैंड बजी हुई है शेयर मार्केट में, पर कोई नहीं, वो सही जो पैसा वहां पे जा रहा है वो मैं तेरे इश्क में घायल से कमा रहा है ना। हूँ। देख हाँ एक्टर, मुझे लगता है मुझे भी एक्टर बन जाना चाहिए, जर्नलिस्ट को नहीं मिलता इतना। अरे नहीं, एक्टर्स को वाकई में आई थिंक एक्टर्स आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड लॉट इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। हमें बहुत बहुत प्यार किया जाता है, सिर्फ ऑडियंस से नहीं, हमारे जो सेट है हमें हमारा बहुत ख्याल रखा जाता है, हमें बिगाड़ा जाता है किसी हद तक। और सो बीइंग एन एक्टर इज अ प्रिविलेज जॉब आई फील। तो ये तो अच्छी बात है। यस सो आई थिंक एवरी एक्टर शुड बी वेरी थैंकफुल दैट ही इज एन एक्टर और शी इज एन एक्टर, और उन्होंने दे ओ इट टू बी एबल टू वर्क हार्ड टू टू डू अ गुड जॉब ऑन द सेट, क्योंकि जो पर्क्स और बेनिफिट्स एक एक्टर को दिए जाते हैं वो सेट पे बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लगन से और मेहनत से काम करें। और ये अच्छी बात तो है कि आप आपको, इस बात हाँ, आप एक्टर बनोगी तो इन चीजों के लिए बनोगी, बिल्कुल ये चीजें बहुत मिलती है एक्टर्स को, बहुत सारी। अच्छा, वैसे आपने बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक्टिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब आल्सो। इफ ऑन वन हैंड आपको पैम्परिंग मिल रहा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे बहुत ज्यादा है एज अ सेलिब्रिटी, एज एन एक्टर, है ना? बिल्कुल, मुझे मैं टैंट्रम्स, आप ये सवाल आप गलत इंसान से पूछ रही है, ये सवाल आपको मेरे सेट के जो स्पॉट बॉय है उससे पूछना चाहिए, मेरे सेट के जो लाइटमैन है उनसे पूछना चाहिए, मेरी जो प्रोडक्शन टीम है उनसे पूछना चाहिए। उसका सही जवाब वो लोग देंगे कि मेरे कोई टैंट्रम्स है या नहीं। मेरा यही है कि मेरा, मैं अपना काम 200% करता हूँ, और मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हो वो अपना काम 200% करे। तो द ओनली थिंग दैट अनॉइज मी इज इनसिंसियरिटी, द ओनली थिंग दैट अनॉइज मी इज इनकम्पिटेंस। अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे एक अच्छा इंसान मत दो, मुझे एक इंसान दो जो 100% कमिटेड है अपने जॉब की तरफ और वो अपना जॉब जानता है, तो वो इंसान मुझे एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक इंसान जो अपने काम में इनसिंसियर है, इनकम्पिटेंट है, और वो बाकी इंसान बड़ा अच्छा है, तो मैं नहीं उसके साथ काम करना चाहूंगा। क्योंकि मेरा काम सफर होगा उसके साथ। तो वो सो इसको इसको आप टैंट्रम नहीं कह सकते, ये बस मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, ये इस तरीके से मैं काम करता हूँ और चाहता हूँ कि हर कोई इर्द गिर्द वैसे ही काम करे, क्योंकि बहुत लोग पैसा लगाया, बहुत सारे लोग अपना एब्सोल्युटली। टाइम इन्वेस्ट करके वो शो देखने वाले हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम, और हमें जो चाहिए वो मिल रहा है, हमें जो चाहिए वो हमारे समय, हमारे प्रोड्यूसर, बिल्कुल तो सही, हमारा काम क्या पूरी शिद्दत से। एग्जैक्टली। अच्छा, हाउ डिड तेरे इश्क में घायल हैपन टू यू? इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन आई बिलीव। फिनाले ऑफ झलक, मैं झलक दिखला जा का फिनाले कर रहा था, और तभी इन लोगों ने मुझे ये शो ऑफर किया, और मैं टीवी पे, मैंने ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं लिमिटेड एपिसोड्स की सीरीज करूंगा, अगर करूंगा तो 100 एपिसोड से ज्यादा कुछ होगा तो वो मैं नहीं करूंगा। तो इश्क में घायल, तेरे इश्क में घायल 52 एपिसोड की ही सीरीज है, ओ तो वाओ, इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज अ लव स्टोरी। आई हैव नॉट डन टू मेनी लव स्टोरीज इन द पास्ट, मैंने हमेशा थोड़े से एंग्री कैरेक्टर्स किए, हमेशा जो गुस्सेल कैरेक्टर्स होते हैं, जो लव लव स्टोरी भी उसमें होती है, पर ज्यादातर वो गुस्सेल ही होता है हमेशा। तो ये स्वीट सा लड़का है, अच्छा लड़का है, और इसके शेड्स बहुत है, उसका जो ये इसका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत अच्छा है, कि मतलब समवेयर इन बिटवीन द सीरीज ही कंप्लीटली उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा, एक स्वीट लड़के से वो कहाँ जाता है, जो 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 चीजें उसके इर्द गिर्द होती है उसकी वजह से वो कैसे बदलाव आता है उसमें, तो ट्रांजिशंस बहुत है, इट्स 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 मल्टी लेयर्ड, मल्टी शेडेड।
सो 52 एपिसोड में इतना कुछ करने को मिल रहा है, 6 महीने शूटिंग करने, 5 महीने शूटिंग करनी है, उसके बाद मैं अपनी फिल्में वापस शुरू कर सकता हूँ, वेब शोज वापस शुरू कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि शो कहाँ शुरू होने वाला है, कहाँ उसका मध्य है और कहाँ वो उसका अंत कहाँ पे, वो वेयर इज इट गोना एंड एग्जैक्टली। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी व्हाइल वर्किंग ऑन सच शोज। तो तेरे इसमें हेल वाज द परफेक्ट थिंग टू डू आफ्टर आफ्टर छलो। सो एंड इट्स एन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है। आप अगर देखो तो इसका स्लॉट है मंडे वेंसडे ट्यूसडे वेंसडे, 1 घंटा 9 से 10। तो अच्छा ये ना तो ये डेली सोप है, ना ये वीकेंड स्लॉट है इसका। ये तो ये ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डिसरप्टिव कॉन्सेप्ट है, जो चैनल के जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं या टेलीविजन जीईसी के जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं उसको डिसरप्ट करने वाला, उसको इसको उसको तोड़ने वाला ये एक शो है। तो इट्स एन एक्सपेरिमेंट, सो एवरीबडी इज इट्स वी आर ट्रीटिंग इट लाइक एन एडवेंचर, एंड आई थिंक द ऑडियंस शुड ऑल्सो सी इट लाइक एन एडवेंचर। इट्स लाइक समथिंग दैट हैज नॉट been done before on Indian television, that is being done. So that's why I think the audience should be all the more excited to watch it. At least give it a shot in the first week. उसके बाद अगर कहानी और कंटेंट में दम रहा तो वो देखते रहेंगे जो है। एब्सोल्युटली हाँ बिल्कुल। और आपने तो इतने अच्छे से बताया भी कि किस तरह से नॉर्मल नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है, बिकॉज हम लोग बहुत वक्त से वेट करते हैं ना, क्योंकि मोनोटनी बहुत हो जाती है जब टीवी सीरियल्स देखते हैं, तब चले जा रहा है चले जा रहा है। इट्स गुड दैट करेक्ट यू हैव लाइक ड्रॉन अ लाइन कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज को चूज करना है, बिकॉज बहुत एक्टर्स को आई एम श्योर ये माइंड में क्लियर रहता है, बट कुछ एक्टर्स वो मोनोटनी के चक्कर में भी आगे पॉपुलैरिटी मिलती रहती है तो करते रहते हैं, दैट्स गुड। पर मुझे बिल्कुल। ये बताओ कि आप सच में भी एंग्री यंग मैन ही हो या सिर्फ दिखते हो खाली? बहुत नरम दिल इंसान हूँ यार मैं, बहुत ही ज्यादा करा खुश, बहुत खुश किस्म का इंसान हूँ और एंग्री नहीं हूं मैं रेस्टलेस हूँ बहुत। और अच्छा मुझे ओके लगता है कि एक एक्टर के लिए रेस्टलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत लगता है कि मैं जब भी कोई चीज करता हूँ तो मैं खुश नहीं होता बहुत जल्दी, मैं रेस्टलेस रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कुछ और हो सकता था, कुछ और बेहतर हो सकता था। तो ये रेस्टलेसनेस ही आपको आपको आगे ले जाता है। और अगर ये रेस्टलेसनेस नहीं हो तो फिर मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। फिर आप कोई और यू नो यू कैन जस्ट गो फॉर अ डेस्क जॉब, फॉर अ मंडेन जॉब, और जस्ट यू नो वर्क एट कॉल सेंटर और वट एवर। पर नॉट दैट आई एम डिमीनिंग दैट, आई एम नॉट डिमीनिंग दैट प्रोफेशन एट ऑल, बिकॉज दोज आर ऑल्सो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एंड आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम। बट उसमें रेस्टलेसनेस, अगर आपको आराम से काम करना है आप, क्योंकि हर एक इंसान का चॉइस होता है, हर एक इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, पर मेरी पर्सनैलिटी बहुत रेस्टलेस है। तो मेरे लिए सही प्रोफेशन है जहाँ पे मैं हर हर रोज कोई नई चीज एक्सप्लोर करता हूँ, एक नए शो के साथ, एक नए किरदार के साथ। तो दैट इट वर्क फॉर मी। सो आई एम नॉट एरोगेंट, पीपल थिंक आई एम, आई एम नॉट एंग्री यंग मैन, पीपल थिंक आई एम, आई एम अ वेरी रेस्टलेस ह्यूमन बींग, एंड आई नीड कंटिन्यूस स्टिमुलेशन। अगर वो नहीं मिले तो मैं रेस्टलेस होता रहता हूँ। सो दैट्स अच्छा इट। मैंने ये भी बात नोट की है, जो शक्ल से एंग्री यंग मैन लगते हैं ना लड़के, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, है ना? तो मैं मेरी शक्ल है एंग्री यंग मैन वाली, मतलब तो मेरी शक्ल सड़ू सी है आपको कहना, हाँ क्या करूं, सड़ू जैसा मुझे मैं कहते नहीं पसंद आते, एंग्री यंग मैन की मैं फैन हो चलो जाती लाइफ में। बहुत अच्छा लगा सुनकर, थैंक यू। ऐसा ये भी लगता है कि जो रेस्टलेसनेस आपके अंदर आई है या जो काम के प्रति ये जुनून कह सकते हैं ना, वो यू हैव गॉट एज अ लेगेसी फ्रॉम योर फादर आल्सो, राइट? माई फादर एंड आई आई थिंक वी आर वेरी डिफरेंट। हमें सिर्फ एक ही चीज मेरे अपने पिताजी से सीखी कि आप हार्डवर्क को कोई ऑप्शन नहीं है। आई हैव सीन माई फादर वर्क फॉर 16 आवर्स 18 आवर्स अ डे एंड स्टिल वर्क आउट, टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ बॉडी एवरीथिंग। सो वो एक बच्चे जो चीज आप देख देख के सीखते हो, सिखा नहीं सकता आपको। जो संस्कार आपको देख के मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं या देख देख के मिलते हैं बचपन से बड़े होते हैं, तो वो चीज मैंने अपने पिताजी से ली। पर उसके अलावा आई थिंक पर्सनैलिटी वाइज बहुत अलग है हम दोनों। अच्छी बात है। मैं ये भी जानना चाहूंगी, करण और रीम के साथ भी आप लोग पहली बार साथ में सब काम कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? जी सो जी हाउ वाज इज वर्किंग विद देम, द टू आई मोस्ट थिंक लाइक आई हैड ऑफ द इंडस्ट्री विद अ वेरी ब्यूटीफुल टू फेस, मोस्ट हैंडसम हंक्स ऑफ द इंडस्ट्री। रीम आई फील इज वेरी प्रिटी एंड शी हैज अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। शी लुक्स गुड ऑन स्क्रीन, शी लुक्स वेरी गुड, नॉट दैट शी डजंट लुक गुड आउटसाइड, शी लुक्स गुड आउटसाइड एज वेल, पर स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है। और करण का मैं क्या कहूँ, आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद हिम एंड आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली स्वीट, वेरी प्रोफेशनल, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। अभी अभी जस्ट हमने 1.5 महीना शुरू किया है काम, तो अभी देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बट मुझे आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट दिस। और जैसे मैंने कहा कि
अगर इंसान अपना काम ढंग से कर रहा है तो मैं खुश हूँ। तो ही इज ऑल्सो वेरी इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर, जहां तक करण की बात है, तो वो इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व हूँ, तो वी बोथ आर हैप्पी अबाउट इट, हमें मजा आता है काम करने में एक साथ। एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ प्लेइंग अरमान इन तेरे इश्क में घायल? कुछ ऐसी चीज जो आपके अंदर भी हो और आप कभी कभी मतलब खुद को ऐसा रिलेट कर पाते हो अरमान के कैरेक्टर से? अरमान, आई फील द ओनली थिंग दैट आई कैन कनेक्ट विद इज यू नो कहावत है कि व्हाट इज अ वेयरवुल्फ, सो इट्स जस्ट अ मैन, एवरी मैन हैज अ वेयरवुल्फ, बट इट्स जस्ट अ जेंटलमैन विद अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट। जिस दिन आपकी कंस्ट्रेंट छूट जाती है तो एवरी मैन इज अ वेयरवुल्फ। तो वो मेरा, मैं अरमान के साथ बहुत कनेक्ट करता हूँ कि वो बहुत यू नो सॉलिड, इज अ सॉलिड गाय, पर उसके अंदर वो वेरवुल्फ है, और वो जिस दिन जाग उठेगा तेरे इश्क में घायल में, जब आगे आगे एपिसोड जाएंगे तो आपको बड़ा मजा चलिए, देख। तो ऑल द बेस्ट टू यू. तब से आई थिंक ऑन एयर थैंक हो यू। रहा है ये, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई ये थिंक सो. 13 फरवरी को रात को 9 बजे से ऑन एयर अरे रहेगा, वाह, तो मंडे हम सो ट्यूसडे लोग. वेंसडे रात को 9 से 10। अच्छा, 1 घंटा हम लोग पूरा सॉरी, डेडिकेट करेंगे तेरे इश्क में घायल को, मैं कहती हूँ यस एक यस, घंटा. पूरा 1 घंटा तेरे इश्क में, ओके, ऑल द एब्सोल्युटली। बेस्ट टू पूरी कास्ट को ही मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर।